तो यार तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा जो फिजिक्स का पेपर है वो टफ आएगा, और यार ऐसा ही हुआ। 2023 का जो पेपर है फिजिक्स का वो टफ आया, और तुमने देखा कि मोस्टली बच्चे इस एग्ज़ाम में सेटिस्फाई नहीं है। मोस्टली बच्चों का यही कहना है कि पेपर बहुत टफ था, क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुए थे वैसे क्वेश्चंस नहीं आए। तो यार आज का ये वीडियो तुम पूरा जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में तुमको मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मैं हूँ रवि, और मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुमको जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, पहले ही मैंने फर्स्ट वीडियो अपना 21 फरवरी को डाला था जो कि एक लॉन्ग वीडियो था, और सेकंड वीडियो मैंने क्या 22 फरवरी को डाला था जो कि मेरा एक शॉर्ट वीडियो था। उसमें मैंने तुमको पहले ही बताया था फिजिक्स तुमको बर्बाद कर सकता है। अगर तुमने फिजिक्स की तैयारी नहीं करी तो तुम क्या बर्बाद हो सकते हो, क्योंकि यार फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ तुमको थ्योरी नहीं पढ़नी होती है, उसमें तुमको न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं, और जो बच्चा थ्योरी और न्यूमेरिकल फोकस नहीं करता है उसका पेपर बिगड़ जाता है। और इसके अलावा कोई भी बच्चा अगर बैक एक्सरसाइज को करता है तब तो अच्छे मार्क्स ले आता है, और अगर वो बच्चा बैक एक्सरसाइज को नहीं करता है तो अच्छे मार्क्स नहीं लाता है। और जब तुमको मैंने तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो तुमको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैंने तुमको बताया भी था कि फिजिक्स का पेपर की जब तुम तैयारी करो एक बात ये अच्छे से अपने माइंड में रख लेना कि अगर तुम बैक एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करोगे और पेपर टफ आ गया तो तुम नहीं कर पाओगे, अगर पेपर इजी आ गया तब तो तुम कर लोगे, अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मैंने तुमको ऑलरेडी पहले बताई थी, और जिन बच्चों ने इस चीज़ को फॉलो किया यार उन बच्चों के कमेंट आए हुए हैं। अगर तुम देखते हो प्रीवियस वीडियो में जाकर तो उनको दिखाई देगा ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 70+ मार्क्स आ रहे हैं। तो यार जिसके 70+ आ रहे हैं क्या वो तुम में से बच्चा नहीं है? वो यार तुम में से ही बच्चा है। तो यार देखो सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम एक टीचर के एडवाइस को मानते हो या फिर नहीं मानते हो। मैंने तुमको पहले ही बताया था, प्रिडिक्ट भी किया था, और जिस बच्चे को देखना हो वीडियो जाके तो वो देखे, 21 फरवरी का वीडियो देखे, 22 फरवरी का वीडियो देखे। शॉर्ट्स में भी वीडियो है 22 फरवरी वाला, और तुम्हारा जो लॉन्ग में वीडियो है वो 21 फरवरी को है। और यार उसमें मैंने बताया भी था पेपर टफ आएगा, और मैंने उसमें लिखा भी था थंबनेल में, लेकिन मोस्टली बच्चे जो सीरियस नहीं थे उनके मार्क्स यार कम आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ही बेकार आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरे सिर्फ 7 मार्क्स आएंगे, कुछ बच्चे वो कह रहे हैं मेरे सर 12 मार्क्स आएंगे। तो यार जब तुमको मैंने बताया था तब तुम कहाँ थे? तब तो तुम क्या है बात को समझ नहीं रहे थे, और आज जब पेपर थोड़ा टफ आ गया अब तुम अफसोस कर रहे हो। तो यार अब अगर तुमको अफसोस है तो मैं तुमको एक एडवाइस फिर से दे रहा हूँ, अगर तुम इस एडवाइस को मानोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यार तुम्हारा जो साइंस का स्कोर है वो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, तुमको परेशान नहीं होना है। देखो अब तुम्हारे पास दो मौके हैं, पहला मौका तुम्हारा केमिस्ट्री का है और दूसरा मौका तुम्हारा क्या है बायो का है। केमिस्ट्री के लिए तुमको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, रिएक्शंस को कैसे याद करना है मैंने तुमको बताया तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग, और तुमको लास्ट मिनट टिप का वीडियो दिया है उसमें तुमको बताया है कैसे तुमको कवर करना है, अगर कोई चीज़ कवर नहीं हो रही तो उसके लिए क्या करना है, सब कुछ तुमको मैंने केमिस्ट्री में बताया। और बायोलॉजी जो तुम्हारा दूसरा मौका है उसमें तुमको मैंने क्या चैप्टर वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं, तो तुम चैप्टर वाइज अगर बायोलॉजी के वीडियो देखोगे तो तुम्हारा बायोलॉजी की हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक कवर हो जाएगी। और बायोलॉजी की एक टोटल तुम्हारे पास 3 प्लेलिस्ट हैं, एक प्लेलिस्ट है जिसमें तुम्हारे क्या चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें तुम्हारे पार्ट वाइज वीडियो हैं, और तीसरी प्लेलिस्ट है जिसमें तुम्हारे क्या है डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं जो तुम्हारे बायोलॉजी को लेकर हैं। तो अगर तुम इन प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो यार तुम्हारे पास एक अच्छा खासा गैप मिल रहा है जहाँ पे तुम अच्छे खासे गैप में अच्छी तैयारी कर सकते हो बायोलॉजी की। और तुमको मालूम होना चाहिए जो साइंस का स्कोर मिलता है वो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के मिलता है, अगर तुमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो अब तुमको अफसोस करने से कुछ होगा नहीं, अब तुमको जो करना है वो सिर्फ ये करना है अपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी फोकस करो, वहाँ से तुम अच्छे मार्क्स ले आओगे। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।